रंग आँखों का तेरी यादों सा, वो लहरा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ताहिर वकास मुगल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मल्टी स्टोर। दोस्तों नई वीडियो के साथ फिर से आ रही हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टिकटॉक की मोस्ट ट्रेंडिंग में जा रही है आजकल एक वीडियो, जो लैंडस्केप शेप में होती है, साइडों पर व्हाइट कलर का बॉर्डर लगा हुआ होता है और साथ सॉन्ग लिरिक्स आ रहे होते हैं या पोएट्री आ रही होती है। लैंडस्केप में बॉर्डर के साथ पोएट्री वाली वीडियो कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। आपने वीडियो कम्प्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि आपको सारे स्टेप आसानी से समझ आ जाएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है काइन मास्टर। ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ओपन करना है। इस तरह का इंटरफेस जो होगा जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है, प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है, 1.1 वाली रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से आपने एक वीडियो उठा लेनी है, जिस वीडियो के ऊपर आप लिरिक्स लगाना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई भी अपनी वीडियो या कोई पिक्चर उठा कर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैं ये वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं इसको सेट करके आपको दिखा देता हूँ। उसे ओके कर देंगे, ओके करने के बाद वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पैन एंड जूम पर इक्वल करके इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन पर सेट कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक कुछ डाउनलोड फाइल्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो सारी पहले से डाउनलोड कर लेनी है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। एक ये फाइल है, इसको जो है ना आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इसको यहाँ से ऐसे इतना और इसको यहाँ से इतना इतना हम क्रॉप करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसकी डायरेक्शन यहाँ पर हम सेट कर देते हैं ऐसे सेंटर में, सेंटर में सेट करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे। एक और फाइल है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी ऐड कर लेना है ऐसे, ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको जो है ना हमने क्रॉपिंग का ऑप्शन दोबारा ऑन करके सिर्फ हमने इसकी जो लाइन है म्यूज़िक इफेक्ट वाली, लिरिक्स की इफेक्ट वाली, इस लाइन को हमने यहाँ से उठा लेना है, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको उठाकर हमने यहाँ पर इस तरह म्यूज़िक के जो हमने म्यूज़िक वाली फाइल पहले ऐड की थी उसके ऊपर सेट कर देना है, और यहाँ से हमें क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ओके कर देना है तो ये हमें बिल्कुल वीडियो के ऊपर आसानी से बैठता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और अपना वो सॉन्ग ऐड करना है, लिरिक्स ऐड करना है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो है, मैं इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे और प्ले करके चेक करेंगे कि हमारी वीडियो के अंदर क्या है। लिरिक्स थोड़े बड़े हैं, वीडियो थोड़ी छोटी है, इसको 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे वीडियो को और यहाँ से सारे इफेक्ट्स को वीडियो के साथ ऐसे सेट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे और जितने हमारे पास लिरिक्स हो हमने उतनी वीडियो ले लेनी है। बाकी वीडियो को यहाँ से ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले ऐड कर देना है ऐसे, ओके। ओके करने के बाद दोस्तों हमने अब सॉन्ग के लिरिक्स ऐड करने हैं। पहले हम सॉन्ग सुन लेते हैं सॉन्ग है क्या, अगर वीडियो पर कोई इफेक्ट हो यहाँ से वॉल्यूम पर क्लिक करके इसको म्यूट करके यहाँ से ऐसे ऑफ कर देंगे और प्ले करके देख लेते हैं लिरिक्स में है क्या। रंग आँखों का तेरी यादों सा, लेयर पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे रंग आँखों का तेरी यादों सा, आँखों का तेरी यादों सा, यहाँ से इस तरह करके हम एक इमोजी लगा लेंगे और इसको स्क्रीन पर ऐसे फुल करके सेट कर देंगे। इसके बाद डबल ए पर क्लिक करेंगे, लातिन पर क्लिक करेंगे और ये हमें सेकंड वाला ऑप्शन है, ये उर्दू इफेक्ट है, इसको मिल जाता है, इसको हम इस तरह वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल लगा लेंगे थोड़ा सा छोड़ कर, ओके। इसके बाद इसको क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, इसे हमने एक एनिमेशन देनी है वाइप लेफ्ट वाली, वाइप लेफ्ट वाली एनिमेशन इसे दे देंगे और इसका टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे ऐसे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे, आउट एनिमेशन देनी है वो भी वाइप लेफ्ट वाली हम दे देंगे इसको, वाइप लेफ्ट वाली और इसका टाइम 0.5 पे रख देंगे हम ऐसे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई आउटलाइन देना चाह रहे हैं उसको तो हम आउटलाइन दे देते हैं ब्लैक कलर की और इसे ओके कर देते हैं ऐसे। ओके करने के बाद हमने इसको प्ले करके देखना है कहाँ तक आ रहा है।
यहाँ तक आ रहा है इसको, बाकी जो लिरिक बाकी जो हमारा टेक्स्ट है उसको कट कर देंगे यहाँ से ऐसे टिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, इसके बाद ओके कर देंगे, दोबारा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट फाइल ले लेंगे, इसको उठा कर डुप्लीकेट फाइल को हम इसके आगे ले आएंगे ऐसे, और इसी को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर इधर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट लिरिक्स ऐड करेंगे, वो लहजा तेरी बातों का, मैं वो ऐड कर देता हूँ, वो लहजा तेरी बातों का, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको इसके आगे थोड़ा सा ऐसे करके लगा देंगे, ये सुन लेते हैं ये कहाँ तक जा रहा है। यहाँ तक आ रहा है, इसको इसी तरह हम कट कर देंगे, बाकी नेक्स्ट थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और इस वाले डुप्लीकेट फाइल को उठाकर इसी के आगे ले आएंगे, यहाँ पर ऐसे आगे ऐड करने के बाद इसको आसानी से ऐड करना है आपने। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लिरिक हैं वो खुशबू तेरे आने की, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आगे लिख लेते हैं खुशबू तेरे आने की। खुशबू तेरे आने की इसको देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है, इसको ऐसे करके प्ले करके चेक कर लेंगे। वो धागा तेरे वादों का, इसी को सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट फाइल को यहाँ से हम उठाकर आगे ले आएंगे, इसी के बिल्कुल आगे लगा देंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लिखेंगे वो धागा तेरी बातों का, वो धागा तेरी बातों का, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से इस वीडियो पर साउंड है, इसको अपने आप नहीं दिया था, इसको ऐसे ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे लिरिक्स ऐड हो गए हैं अच्छे से, इसको प्ले करके मज़ीद चेक कर लेते हैं कि लिरिक्स सही से बैठ गए हैं नहीं। सॉरी यहाँ से लिरिक्स गलत हो गए, वो धागा तेरे वादों का है, वो धागा तेरे वादों का, ये अच्छे से ऐड हो गया दोस्तों, इसके ऊपर लिरिक्स हमारे बैठ गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इसके बाद अगर किसी वीडियो पर यहाँ पर सारे साउंड हमने इफेक्टों के ऊपर अगर कोई है साउंड तो इसको हमने ऑफ कर देना है ऐसे। ऑफ करने के बाद ये इसको कट करेंगे, कट करने के ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड ऐसे, और इसको भी ऐसे ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, हमने सिर्फ उतना ही चाहिए जितना हमारे वीडियो के ऊपर ज़रूरत है ये इफेक्ट। उसके बाद हमने दोस्तों क्या करना है, ओके करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक इफेक्ट ऐड करना है ये वाला। इस वाले इफेक्ट को हमने पूरी स्पीड स्क्रीन करके ओके कर देना है, पूरी स्क्रीन पर सेट कर देना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने नीचे आ जाना है, ब्लेंडिंग का ऑप्शन हमें मिल जाता है, इसको हम सॉफ्ट लाइट कर देंगे या हार्ड लाइट कर देंगे ऐसे, आप अपनी मर्ज़ी से इसको लाइट ऑन यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट आपको चाहिए तो ओके कर देंगे। मैं इसको सॉफ्ट लाइट पर रख देता हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेंड टू बैक कर देंगे, तो सेंड टू बैक करने से ये होगा कि ये इफेक्ट पीछे चले जाएगा और जो हमने वीडियो के ऊपर वर्क किया है वो सारा आगे हमें शो हो जाएगा। वीडियो हमारी तकरीबन कंप्लीट है, उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक और चीज़ जो है ना यहाँ ऐड करनी है, बॉर्डर जो आपको मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपने खुद से जो है ना यहाँ पर ये वाला बॉर्डर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने यहाँ से डाउनलोड करके इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है, सर स्क्रीन के ऊपर फुल बॉर्डर को सेट कर लेंगे ऐसे। ऐसे सेट करने के बाद इसे ओके कर देंगे, ओके करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और पूरी वीडियो के ऊपर सेट कर देंगे, यहाँ से हमें क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद अब हमारी वीडियो दोस्तों बिल्कुल तैयार है। लास्ट टाइम मैं आपको प्ले करके चेक करवा देता हूँ कि वीडियो कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों वीडियो हमारी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है और बहुत ज़बरदस्त बन गई है। इसके अंदर अगर आप अपना नेम ऐड करना चाहें टिकटॉक आईडी का तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ मेरी आईडी का नाम है दीमक ज़्यादा मोहब्बत, मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे।
इसको सिलेक्ट करता हूँ डबल ए पर, और ये वाला इफेक्ट इसको दे देता हूँ कलर, उसका टेक्स्ट इफेक्ट ये लगा देते हैं हम इसको। और ये अगर आप इसको एक एनिमेशन दे देंगे ओवरले एनिमेशन ब्लिंक स्लो, ये आपको कॉर्नर में ऐसे ब्लिंक करती रहेगी। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको भी हम पूरी जो है ना वीडियो पर सेट कर देते हैं ऐसे। दोस्तों वीडियो हमारी तैयार है बिल्कुल, और ये देखें दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि टिकटॉक आईडी का जो आपका नाम है वो भी आप ब्लिंक कर रहा है। इसके साथ ही वीडियो पहुंचती है नाम को, यहाँ से हमने इधर क्लिक करना है और इसको 1080 पर रखकर एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों वीडियो हमारी पहुंचती है अख्ताम को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी एडिटिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।